बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी हो गई। जी हां, उन्होंने ये दूसरी बार शादी की है, जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। पहले उन्होंने मुंबई के एक होटल में रजिस्टर्ड मैरिज की। इस दौरान बॉलीवुड और अंबानी परिवार से तमाम लोग पहुंचे। फिर इन्होंने 10 जनवरी को उदयपुर में शादी की, उसी होटल में जहां परिणीति और राघव चड्ढा की शादी हुई थी। जी हां, ताज होटल में इन दोनों ने ईसाई धर्म के हिसाब से पूरी अपनी शादी की रस्में की। लेकिन उसके पहले मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई, जहां नुपुर शिखरे ने इरा खान के लिए एक गाना भी गाया था, जिसका वीडियो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं उसके बाद आमिर खान समेत अन्य लोगों ने भी परफॉर्मेंस दी थी। कई नामी हस्तियां इस प्रोग्राम में शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, नुपुर शिखरे ने अपनी शादी को भरपूर एंजॉय किया। इरा खान भी जादू बनकर अपनी शादी की संगीत सेरेमनी में पहुंची थी। जी हां, जहां इनकी फोटोज सोशल मीडिया पर कोई मिल गया कि जादू से कंपेयर की जा रही हैं। वहीं आमिर खान और रीना दत्ता अपनी बेटी की शादी को एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाई सौतेले भाई आजाद ने एक गाना भी गाया था, फूलों का तारों का। सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। पहाड़ों के बीच इरा खान ने और नुपुर शिखरे अब 7 जन्मों के लिए साथ हो गए हैं। ये लोग हालांकि ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से साथ रह रहे हैं और पेरेंट्स भी इनके रिश्ते को जान रहे थे और उन्होंने पहले ही अपना सिर हामी भर दी थी। बस इन्होंने एक ऑफिशियल तौर तरीके से इस पल को एंजॉय करने के लिए 2 तरीके से शादियां की। और वैसे देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक है कि पहले नुपुर ने अपने फिटनेस ट्रेनर के तौर पर शादी की और उसके बाद